शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से मुझे श्रद्धा से कुछ जरूरी बात करनी थी। दीदी ना थक गई है और तबीयत भी ठीक नहीं है उनकी। हाँ वो आराम कर रही है। आप हमें बता दो क्या बात है। खबर ही कुछ ऐसी है कि पूरा कानपुर हिल जाए। क्या बात है, आप खुद ही देख लीजिए और बताइए कि खबर सच में इतनी बड़ी है या नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये जो तुमने मेरे चेहरे पे देखा ये हंसी नहीं थी, मेरी बेवकूफी थी। तुम प्लीज बुरा मत मानो, तुम सो जाओ। श्रद्धा अब तुम सोफे पे नहीं सोओगी। क्या? तुम्हारे पीछे से मैं सोफे पे सोया था। फिर कैसे सोती थी तुम सोफे पे, बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। तुम आराम से बेड पे सो जाओ, और ऐसे भी सोफे से मेरी पक्की यारी हो गई है। नहीं अभय, आप सोफे पे नहीं सोएंगे। अब एक काम करते हैं, मैं भी सोफे पे नहीं सोती हूँ, मैं नीचे सो जाती हूँ। आप खुश? खुश किस बात की खुशी? ये मुझे दो, तुम बेड पे जाके सो। अरे छोड़िए ना अभय, मैंने कहा ना मैं नीचे सो जाती हूँ, मुझे आदत है नीचे सोने की, बहुत सुकून मिलता है मुझे। अच्छा अपने सुकून के चक्कर में मेरे सुकून का क्या, जाके बेड पे सो जाओ। दो मुझे। नहीं यहाँ पे छोड़िए अब है, बस फैसला हो चुका है, मैं नीचे सो रही हूँ बस। तुम्हारा नाम ना श्रद्धा नहीं होना चाहिए था, जिद्दी होना चाहिए था। जिद्दी ही कुछ ऐसी है कि पूरा कानपुर हिल जाए। आप खुद ही देख लीजिए। दीदू के साथ नहीं हो सकता। दीदू के नहीं, नहीं। स्वीटू क्या हो, कोई बुरा सपना देखा क्या? अगर कहीं दर्द है तो बताओ मुझे, बोलो। नहीं नहीं वरुण जी, वो हमने शायद बुरा सपना देख लिया था। अब हमें ना वरुण जी, हमें ना पानी चाहिए। पानी? अब मैं अभी लेके आता हूँ। माफ करना दीदू, पर ये हम आपको नहीं दे सकते। हे भगवान, आज इतनी देर तक सोती रही मैं, वहां सब इंतजार कर रहे। अबे आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है आपको, आपकी गर्दन अकड़ गई है क्या? नहीं ठीक हो जाएगी। आप भी ना कितने जिद्दी हैं,
मैं कह रही थी आपको कि मैं नीचे सो जाती हूँ क्योंकि मुझे नीचे सोने की आदत है। घर पे भी मैं कभी कभी नीचे सो जाती थी, लेकिन आपने अपने जिद का नतीजा देख लिया ना। अकड़ गई ना अब आपकी गर्दन। अकड़ू कहीं के? हाँ हाँ ठीक है, तुम मेरी फिक्र छोड़ो, पहले खुद का सोचो। बिना सामान के तुम्हारा कैसे काम चलेगा? मैं काम करता हूँ, तुम्हारे घर जाके तुम्हारा सारा सामान ले आता हूँ। हाँ अबे देखिए अबे, पहले ही आपकी गर्दन अकड़ी हुई है, ऊपर से आप उधर जाएंगे आपका दर्द और बढ़ जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। दर्द आता जाता रहता है, ठीक हो जाएगा। ये सब छोड़िए, मैं कर देती हूँ। नहीं मैं करूंगा, तुम्हारे पीछे से मैंने सब सीख लिया है, एकदम रूम चकाचक करना भी सीख लिया है। अबे आप प्लीज छोड़िए इसे, उस वक्त मैं नहीं थी ना, अब मैं आ गई हूँ, छोड़िए ये सब दीजिए, मैं कर देती हूँ। ठीक है, अब अकड़ू नहीं बनूंगा, वो मैं फ्रेश हो लेता हूँ। जल्दी से ये सब समेट देती हूँ, वैसे ही बहुत देर हो गई है उठने में, रसोई में वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। दीदू का सामान लेके जाओ, पर मुझसे मिलने आते रहना। पक्का यार, आज तू पढ़ाई में अच्छे से मन लगाना। पक्का यार, जीजू। बारिश में भीगना, want to catch a caterpillar and see it grow as a butterfly। ये आप क्यों पढ़ रहे हो? ये तो दीदू के विशेष है। खुदू तभी तो पढ़ रहा हूँ। ये वाली तो पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा सुन, ये हम दोनों का सीक्रेट है, अपनी दीदू को मत बता देना कि मैंने उनकी बुक पढ़ ली है। अच्छा हुआ मम्मी जी ने सुबह ही सुबह मुझे अपनी साड़ी दे दी, नहीं तो अभय के उस ढीले ढाले कपड़े में तो। अरे श्रद्धा बेटा, तुम्हें तो कुछ दिन सिर्फ अपने कमरे में आराम करना चाहिए, रसोई में काम नहीं। लाओ हम करते हैं, दो हमें। अरे मम्मी जी, नहीं नहीं रहने दीजिए, मैंने आपसे कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी इतने दिन आराम कर करके ना मैं थक गई थी, आप रहने दीजिए, ये सब मैं बिल्कुल फटाफट कर दूंगी। श्रद्धा बेटा, हम बिल्कुल ठीक नहीं थे तुम्हारे, हमेशा तुम्हारी याद आती थी। मुझे भी मम्मी जी, लेकिन लेकिन तुम ये मत सोचना कि हम सिर्फ रसोई में तुम्हें याद करते थे, तुम्हारी हर छोटी छोटी चीज हमेशा हमें याद आती थी। जानती हूँ मम्मी जी। अरे अरे ये क्या, हाँ देखिए तो, हमारी भाभी का तो रंग ही उड़ा हुआ था रसोई में जैसे वो पता है घंटा घर के लच्छू के छोले के भटूरे से स्वाद। अब बहू लौट आई है तो देखिए तो, लौट आया हाँ, चमक तो देखो। अरे ऋतु आप भी ना बहुत ही मजाकिया है, लेकिन हाँ हमारी बहू को सर पे मत चढ़ाइए। भाभी बहू होगी सिर्फ और सिर्फ आपकी, हमारी तो सहेली बन चुकी है। बस ये तो हमें बताओ कि हमारा घर का चिराग कहाँ है, अभी तक सो रहा है वो? नहीं नहीं बुआ जी, वो सो नहीं रहे, वो घर पे गए हैं कुछ सामान लाने के लिए, बस थोड़ी देर में आ ही जाएंगे।
अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारा सामान आ जाएगा। और अभय की अक्ल भी आ गई क्यों भाभी? अरे ऋतु, हमारा बेटा इतना भी गया गुजरा नहीं है। हाँ लो भाई श्रद्धा, देखो सुनो अपनी सास की बात। हेलो, आप श्रद्धा कैसी है? पहले से काफी बेहतर है, कल से ऑफिस भी आएगी। मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि श्रद्धा का कोई जवाब नहीं आया था। जवाब? मैं कुछ समझा नहीं। ये लो। अरे ऐसी पकोड़ा पार्टी तो सर्दियों में होती ही रहनी चाहिए। तनुजा शुक्रिया हमको इसमें शामिल करने के लिए भाई। दीदू ये तो देख के बहुत टेस्टी लग रहा है। सच बताए हमें तो ना आपका हाथ चूमने का मन कर रहा है। कीर्ति रानी, ये क्या बोला तुमने? भाभी इसने अपने अलावा किसी और की तारीफ की। तनुजा भाभी हमें संभाली गई, हम बेहोश ना हो जाए। बस सारे तू हमारी बहू को ऐसे मत चिढ़ाइए। माँ आज ना हमारा पूरा ध्यान पकौड़े और चाय पे है। बदतमीजियां करना छोड़ोगे नहीं ना तू? अबे ये कैसे बिहेव कर रहा है तू कीर्ति के साथ? ये क्या बदतमीजी है? अबे क्या बात हो गई है, आप इतने नाराज क्यों हैं? अब शर्म नहीं आ रही तुम्हें अपनी बीमार बहन से काम करवाते हुए? अब क्या कह रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं तुम ठीक नहीं हो, पूछो ना अपनी बहन से। अबे अच्छा खासा पूरा परिवार साथ में बैठा है, क्यों माहौल खराब कर रहा है? क्या बात हो गई? अबे बताइए ना क्या हुआ है आपको, आप किस बात से इतना नाराज हैं? आज जब किया तुमसे मिलने आई तो तुम्हारी इस बहन ने उससे कहा कि तुम बीमार हो। किसी से मिल नहीं सकती, यहां तक कि बात तक नहीं कर सकती हो। सबको ना अपने जैसा मत समझो। अबे हमें दीदू की चिंता है, हम चाहते थे कि वो आराम करे, वो जल्दी ठीक हो जाए, फिक्र है हमें उनकी। जलती हो तुम उससे। बकवास बंद कर अबे, बहुत हो गया। ऐसे बात नहीं करेंगे आप कीर्ति से। अबे किस बात की जलन, आखिर कीर्ति क्यों चलेगी मुझसे? कानपुर की अर्ली मैगजीन के कवर का टॉपिक है इस बार भारतीय नारी, और इसके लिए उनको लगता है कि श्रद्धा से अच्छा कोई नहीं हो सकता। वही बताने आई थी किया कि तुम्हारी फोटो छापना चाहते हैं कवर पे। इसीलिए कहा मैंने चलती हो तुम, 100 बार हाथ पैर चलाने के बाद भी कुछ उखाड़ तो पाई नहीं। अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही ना कि तुम्हारी बहन को वो मौका मिल गया। नाराज क्यों हो रहे हो तुम? हमें तो पता ही था कि दीदू ये मॉडलिंग के लिए ना ही करने वाली है, उन्हें नहीं करना होगा ये सब। श्रद्धा हाँ करे या ना करे ये उसका अपना फैसला है, तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? कैमरे के सामने खड़े होना, खूबसूरत लगना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और दीदू, दीदू तो ये सब कर ही नहीं सकती। कीर्ति बस बहुत हो गया। हम क्या गलत कह रहे हैं वरुण जी?
दीदू घर के काम में ऑफिस के काम में बहुत अच्छी है, तो वही करे ना। अरे आज पहली बार हम कीर्ति से सहमत हैं। अरे भाई ये मॉडलिंग शॉर्टलिंग हमारे बहू की बस की बात नहीं है। और वैसे भी मोहल्ले में पहले ही त्रिपाठी परिवार का जुलूस निकल चुका है, अब क्या पूरे शहर में तमाशा दिखाना है? मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे श्रद्धा को कितना बड़ा मौका मिल रहा है, आपकी बहू का कितना नाम होगा। मुझे तो लगता है श्रद्धा को ये जरूर करना चाहिए। और ऐसे भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो श्रद्धा कर नहीं सकती है। अभय मुझे किसी भी मैगजीन कवर पे नहीं आना है। दूसरों को गलत फहमी हो सकती है पर हमें और दीदू को नहीं। ये मॉडलिंग फोटोशूट ये सब दीदू की बस की बात ही नहीं है। दीदू से ये सब नहीं हो पाएगा, समझे? हटो। ओहो ये चाय भी ठंडी हो गई, भाभी दोबारा बना दीजिए, अब मना मत कीजिएगा। चलिए 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 आइए बनाइए चलिए। पता नहीं श्रद्धा ने तो ना कह दिया है, पता नहीं क्यों अभय इतना जोर दे रहा है कि वो फोटो खिंचवाए। क्योंकि भाभी उसे पता है कि ये मौका मिलना इतना मामूली नहीं है। अगर इस फोटो की हीरोइन श्रद्धा है तो हीरो आप हो। सास जो बहू की ताकत बनी, तनुजा अपनी बहू से क्या करवाए क्या नहीं करवाए इस पे आप क्यों इतना जोर दे रही है ऋतु? उनकी बहू उनका मन और आपका मन ना इन पकौड़ों पे। लीजिए हम ये बाहर दे देते हैं। आप ही इन सब चीजों को ना गोली मारिए, आप सिर्फ ये सोचिए कि आप कौन सी साड़ी पहनकर जाएगी जिससे ना पूरे शहर में आपके नाम का भौकाल आ जाए। आखिर सास बहू की हिट चोरी जो है। जोड़ी तो ना सोनिया की भी बढ़िया है, देखिए दीवार और दरवाजे के साथ। हमेशा ना चूहियों की तरह सुनती रहती है घर की सारी बातें। नहीं नहीं बुआ जी, हम तो बस प्लेट रखने आए थे। पर तुम्हारा हाथ तो खाली, प्लेट भी खा गई तो? हमने सोचा कि आपकी कुछ मदद ही कर देते हैं। सोनिया जिस रास्ते से तुम आई हो ना वापस वहीं लौट जाओ, चलो निकलो यहाँ से। हाँ भी आप ज्यादा मत सोचिए, आप सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा को मनाइए, वो कीजिए जिसके लिए आप बनी है। नहीं ये सब मुझसे नहीं होगा, ये फोटोशूट ये मॉडलिंग अभय मुझसे नहीं होगा ये सब। श्रद्धा ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकती हो? अच्छी बेटी, अच्छी दोस्त, अच्छी बहन, अच्छी बहू, तुम वो हो जिसे लोग सर्वगुण संपन्न कहते हैं। तभी तो आदर्श भारतीय नारी के कवर के लिए तुम्हारा चेहरा चुना गया है। देखो मैं कभी तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, पर मुझे सच में लगता तुम्हें ये करना चाहिए। जितना भरोसा आपको मुझ पर है ना उतना भरोसा मुझे खुद पर नहीं है, मुझसे नहीं होगा ये। देखो तुम ये सब मत सोचो, मैं घर वालों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं अभय बात वो नहीं है, मैंने ये सब आज तक नहीं किया है, इसके बारे में मैंने आज तक सोचा भी नहीं है, और फिर अचानक से ये मुझसे नहीं होगा।
मैं नहीं कर पाऊंगी ये। तुमसे होना ही नहीं था ना, तो एक तरह से अच्छा ही है कि सारी वाह वही ना तुम्हारी बहन ही ले जाए। तुम बस आराम से बैठ के पकौड़े खा लो। क्या हो गया सोनिया, तुम बिना पूरी बात जाने जहर उगलने लगती हो। कीर्ति बैठ। तुम कीर्ति, बहुत फर्क है तुम में और तुम्हारी बहन में। तुम ना कुछ भी सुन के मान जाती हो और तुम्हारी बहन ना डटी रहती है। तुम देखो ना, जब तुम्हें मॉडलिंग करनी थी तो कैसे सारा परिवार तुम्हारे खिलाफ हो गया था, और अब जब श्रद्धा को मॉडलिंग करनी है तो देखो सब कैसे उसके आगे पीछे उसे हाँ करवाने में लगे। तुम्हारा तो पति भी तुम्हारे साथ नहीं था। सोनिया, चाहे कोई भी मैदान में आ जाए, हम दीदू को जानते हैं। दीदू ना इसके लिए कभी हाँ नहीं कहेंगी। अरे कैसे नहीं बोलेगी हाँ, वैसे भी हमारी बहू घबरा के पीछे हटने वालों में से नहीं है। पर बेटा, कोई भी काम कभी ना कभी पहली बार तो करना ही होता है ना। मम्मी जी, आप क्या कह रही हैं? श्रद्धा, बहुत कम लोगों की लॉटरी ऐसी लगती है कि खुद सास अपनी बहू का साथ दे। तो अपनी जरा शक्ल ठीक करो और मुस्कुरा भी दो। बुआ जी, आप बात समझ नहीं रही हैं। मैं जो कपड़े डिजाइन करती हूँ वो मॉडल्स पहन के कैमरे के सामने आती हैं। मैं कैमरे के सामने नहीं आती। अरे जब तुम्हारे डिजाइन के कपड़े पहली बार कैमरे पे आए तो तुम्हारे दिल में धक-धक हुआ होगा ना। बस ठीक वैसे इस बार कपड़े नहीं, तुम खुद आओगी और हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मुझे लगता है तुम्हें ट्राई करना चाहिए। और श्रद्धा, कैमरे के सामने तुम्हें कैसे चलना है, कैसे इतराना है, वो सबके लिए हम है ना, हम तुम्हें सिखा देंगे। देखो बेटा, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब तय तुम्हें करना है। हमारी तरफ से तो बहुत बड़ी हाँ है, ज्यादा मत सोचो। तो बोलो बेटा, हाँ या ना। पानी पी। आपने और आपके घर वालों ने तमाशा मचा दिया था जब हमें मॉडलिंग करनी थी। मुझे या मेरे घर वालों को मॉडलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तुम्हें रोका थोड़ी है, बस कुछ दिनों के लिए मना किया क्योंकि अभी तुम प्रेग्नेंट। हम ना प्रेग्नेंट है, अपाहिज नहीं हुए हैं, हमारी जिंदगी नहीं रुक जाएगी। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।